स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको शर्ट की बाजू हम किस तरह से छोटी कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारी इसमें बाजू दिखाई गई है और जो ये बाजू है हमें 7 इंच की बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे, तो ये 10 इंच की है और ये हमें 7 इंच की तैयार करनी है। तो जो इसकी साइड के नीचे सिलाई है इसको हम खोल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी सिलाई यहाँ से खोल ली है और अब हमने इसके 7 इंच की हमने इसको तैयार रखेंगे। तो ये ऊपर से कंधे की जो हमारी सिलाई है यहाँ से हमें इसको 7 इंच की इस तरह से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमें नीचे मोड़ने के लिए चाहिए जो हम फोल्ड करेंगे कपड़ा। और अब हम देखेंगे नीचे हमारे ये 2 इंच का है ये वाला और यहाँ पर हम 2 इंच को निशान लगाएंगे नीचे कटिंग का, क्योंकि ऊपर से यदि हम करेंगे तो उसकी हमें लंबाई का पता नहीं चलेगा। तो नीचे की साइड से हम इसको निशान लगाएंगे और फिर जो हमारा ऊपर का निशान है तैयार लंबाई का, तो ये हमारा 3.5 पर है तो हम 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और जो कटाई करनी है वो हमें दोनों बाजू की इस ये कटाई करनी है। फ्रेंड्स, ये हमें दोनों बाजू को अपने जो हमारे कंधे की सिलाई है उसके साथ दोनों को मिलाना है और जो ये हमने नीचे कटिंग का निशान लगाया हुआ ये पूरी हमें मिलाकर ये बाजू को रखना है। तो ये देखना है हमें यहाँ पर भी हमारी पूरी बराबर हो और बिल्कुल भी इसको सीधे रखते हुए हम ये कटिंग हम करेंगे। और जो तैयार लंबाई है हमारी वो ये है और इसको यहाँ से हम थोड़ी सी यहाँ तक का निशान लगाएंगे ताकि हम तैयार लंबाई तरफ में इसको तैयार कर सकें। और अब हम इतनी इतनी इसको फोल्ड करेंगे और एक निशान हम अपना सीधी साइड लगाएंगे जहाँ पर हमें तैयार करना है, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे हो जाता है तो 7 इंच पर हमारा निशान है। अब हम इसको इतना ही हमें इसको फोल्ड करना है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे यहाँ जो हमने कट के निशान लगाए उस जगह पर। तो ये जो हमने निशान है हमारा सीधी तरफ भी हमने इस निशान को लगाया हुआ है, तो इसी निशान तक हमें इसको फोल्ड करना है। और जो हमारा कट का निशान है तो उस कट को हमें दिखाना है और उस कट तक ही हमें इसको अपनी बाजू को फोल्ड करके सबसे नीचे किनारे की साइड हमें इस पर एक सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल नीचे किनारे की तरफ हमें एक सिलाई लगानी है इसको। जो ये हमारा दूसरी तरफ कट है उस कट तक हमें इसको फोल्ड करना है और सीधी सिलाई हमें यहाँ तक लगा कर लानी है। देखिए हम पूरे अपने दूसरी साइड के कट तक हमने इसको सिल लिया है। और फ्रेंड, जो हमें इसकी मोरी है वो 1.25 लेनी है, क्योंकि ऊपर ऊपर हमारी जो बाजू है थोड़ी मोटी हो जाती है और नीचे थोड़ी पतली रहती है। तो नीचे हमारी इसकी जो मोरी थी वो 6 इंच की थी, अब ऊपर हम इसकी मोरी 1.25 इंच की रखेंगे और 1.25 इंच पर निशान लगाकर और 1.25 इंच पर हम एक निशान लगाकर और जो हमारी एक शर्ट की हमारी फिटिंग की सिलाई है उस सिलाई तक हम इसको निशान को मिला देंगे और इसी निशान के ऊपर हम अपनी सिलाई को चलाना है। इसी निशान पर हम अपनी जो हम अपनी सिलाई है वो करेंगे और बिल्कुल फिटिंग तक हम इसको सिलाई करेंगे। जो फिटिंग की सिलाई है इस सिलाई तक हम इसको ले जाएंगे और फिर इसको हम तैयार करेंगे और वापस डबल सिलाई हम उस बाजू के ऊपर अपनी लगाएंगे। देखिए ये वापस हम उसी फिटिंग की सिलाई पर हम वापस आ गए हैं और ये हम डबल कर देंगे सिलाई को। और इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू तैयार करेंगे।
तो देखिए ये हमारी दूसरी बाजू, और इसको भी हमें जो हमारा ये कट का निशान लगाया हुआ है हमने उस कट से हमें जहाँ हमने बीच में निशान लगाया था तैयार बाजू का सीधी तरफ, तो उस तक हमें इसको फोल्ड करना है। और ये हमारा कट का निशान है, यहीं से हम इसको फोल्ड करके और बीच के निशान से देखेंगे हमारा बिल्कुल सही फोल्ड हुआ है या नहीं। ये देखिए ये हमारा निशान तक बिल्कुल सही फोल्ड है। अब हम इस पर भी किनारी पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम अपने दोनों बाजू और इसी तरह से सिलाई करके अपनी बाजू को, जो हमारी लंबी बाजू थी उनको हम छोटा बना लेंगे। तो चाहे हमारी पूरी बाजू उनको भी इसी तरह से हम निशान लगा कर उनको छोटा बना देंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी बड़ी बाजू की पड़ी है और आप उसको छोटी बाजू बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आसान तरीके से निशान लगा कर आप उसको छोटा कर सकते हैं। के साथ कट मिलाकर उसी कट के अनुसार हमें इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। दूसरी बाजू हमारी पूरी हो चुकी है और इस बाजू पर भी हम इसी तरह 1.25 इंच पर निशान लगाकर और अपनी फिटिंग के निशान के साथ इसको मिलाकर, तो जहाँ पर हमने फिटिंग दी हुई है तो वहाँ पर इस निशान को हम मिला देंगे और फिर उसी तरह जैसे हमने पहली बाजू पर सिलाई लगाई थी उसी तरह सिलाई लगाएंगे। देखिए उसी फिटिंग के साथ हम इसको मिला देंगे, जो हमारी साइड में फिटिंग तैयार है और फिर इसको टैप करके हम डबल सिलाई के ऊपर लगा देंगे। और ये वापस हम बनाकर अपनी उसी फिटिंग की सिलाई के बाजू पर, बाजू जहाँ हमने तैयार की थी वहीं पर लाकर अपनी सिलाई को रोक देंगे और इस तरह हम अपनी बाजू जो हमारी लंबी बाजू थी उनको छोटी कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शर्ट की जो बाजू हैं वो हमने अपने इनको छोटी कर लिया। ये हमारी जो बाजू थी ये 10 इंच की थी पहले और इनको हमने देखिए 7 इंच की हमारी पूरी बराबर बैठी है। ये 7 इंच की हमने बाजू कर ली और 6.25 इंच की हमने इसकी मोरी रखनी दिया, तो ये 6.25 इंच की हमारी इसकी मोरी तैयार है। तो इस तरह से आप कोई भी लंबी बाजू, जितनी भी लंबी बाजू हो तो उनको हम छोटी इस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।